हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं पावर स्टोक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उनसे क्या सीखा है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि आप वो अपसाइड है या वो डाउनसाइड है। अगर मैं आपको जैसे ये वाले स्टॉक की बात करके दिखाऊँ, जैसा कि आप सब देखेंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, हमेशा पहले 15 मिनट की कैंडल को उसका अप एंड डाउन मार्क कर लो। जैसा कि आप सब लोग देखेंगे, और उन्होंने कहा जैसे ही जिस साइड मार्केट आपको डायरेक्शन दे उस तरफ को आपको ट्रेड लेना है। पावर ऑफ स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, मैं उनका बिग फैन हूँ एंड आई रियली लव हिम। एंड हैप्पी बर्थडे सर, टुडे आज आपका बर्थडे है और आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं भी पार्टिसिपेट ले रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। आपने कहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करो कि मार्केट किस साइड जाता है, जिस साइड जाए उस साइड को ही आप ट्रेड ले लो और उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट वन साइड अपसाइड गया है तो उसकी तरफ हम यहाँ ट्रेड लेते तो हमें कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं 500+ पॉइंट मिलते। और इस तरह से अगर हम देखें तो नेक्स्ट डे का देख लेते हैं, यहाँ पे वो फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे कि यहाँ देखा जाए, तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको 200-300 पॉइंट मिल जाते हैं। तो पावर ऑफ स्टॉक से मैंने ये सीखा है, हमेशा वन साइड डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। और उन्होंने विवेक बजाज सर के इंटरव्यू में भी यही कहा था कि मैं हमेशा वन साइड ही ट्रेड लेता हूँ, बिकॉज उससे मुझे ट्रेंड के बारे में पता चलता है। हमें हमेशा ट्रेंडिंग ट्रेड लेना चाहिए, हमें ना कि साइडवेज खेलना चाहिए, ना अपसाइड ना डाउन साइड नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ ट्रेड नहीं, वन साइड लो ताकि इसमें आपको हाई प्रॉफिट मिलता है। तो मैं पावर स्टॉक का बिग फैन हूँ और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे सर, बाय बाय।